सेना ने इस बार पद्मावत पर बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था, बात उठाई थी, पूरे देश ने समर्थन दिया, ये राजपूत या राजपूत कर्णी सेना के कारण नहीं हुआ। 6 राज्य बंद हुए और जिन राज्यों में भी चली वहां 14 से ज्यादा दिन नहीं चल सकी। ये बहुत बड़ी, नहीं तो हमारे ही कारण प्रचार पार कर कम से कम 6 महीने तो फिर लग जानी चाहिए थी, चल जानी चाहिए थी। 14 दिन पूरे देश में कहीं पर भी 14 दिन से ऊपर ये फिल्म नहीं लग पाई। क्या इसी तरह का आशीर्वाद वो सारे सामाजिक संगठन मिलकर राजपूत कर्णी सेना को दे कि हम 14 दिन नहीं तो 14 महीने में एक भव्य राजमहल यहां पर स्थापित कर सके। वो जो स्वयंभू सब कुछ है उसके भी दर्शन करने जाए, उसके लिए मंदिर में बनाऊंगा, उसके लिए राजमहल में बनाऊंगा। मेरी तो औकात ही नहीं है, ना मेरी संस्था की, पर ये जो नाटक की चल रही है रामलीला जैसी, उस नाटक से निजात दिलाने का प्रयास जरूर करूंगा। आज इस मामले में बार बार चलती है अध्यादेश लाया जाए, राम मंदिर बनाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई अध्यादेश आने वाला है। फिर सरकार वो बना दी जाए जो राम मंदिर बना सके। मैं नहीं मानता कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी और उनकी माता कौशल्या जी इतने गरीब थे कि एक मंदिर में जन्मे होंगे अपने बच्चे को। क्या उनका जन्म किसी भव्य राजमहल में नहीं हुआ होगा?